अस्सलामुअलैकुम सामीन, 10 शाबान अल-मुअज़्ज़म है, 3 मार्च है। ख़बर का उन्वान है, बीजेपी लीडर का बेटा लाखों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, घर से भी 6 करोड़ रुपए मिले। खबर तफसील से सुनिए। मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के अफसरान ने आज जुमे के दिन सहाफ़ियों को बताया कि एक दिन पहले रिश्वत लेते पकड़े गए कर्नाटक बीजेपी एमएलए के एक नौकरशाह बेटे की घर की तलाशी के दौरान तकरीबन 6 करोड़ रुपए और भी मिले हैं। बता दें, लोक आयुक्त की भ्रष्टाचार मुखालिफ शाखा ने बीजेपी एमएलए मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर पर छापा मारा है और नकदी का बड़ा ढेर पाया है। श्री मदल रियासत की यानी सरकारी मिल्कियत वाली कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। ये एक मैसूर सैंडल साबुन बनाती है और उनका बेटा बेंगलोर के एक महकमे में मुलाजिम है। लोकायुक्त अफसरान ने बताया कि बीजेपी मेंबर असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। ठेकेदार से इस काम की रिश्वत ले रहा था कि कच्चे माल का टेंडर उसके नाम कर दिया जाए। जराए बताते हैं कि प्रशांत कुमार को उनके वालिद के बेंगलोर के दफ्तर से पकड़ा गया है जहां वो रिश्वत ले रहा था। लोक आयुक्त पुलिस के मुताबिक प्रशांत ने रिश्वत के तौर पर 80 लाख रुपए मांगे थे। प्रशांत के वालिद कर्नाटक के दावनगरे ज़िले के चिन्नागिरी से एमएलए हैं। जराए ने बताया कि प्रशांत के पास से नकदी रुपए भरे 3 बैग मिले हैं। कर्नाटक इंतजामिया के 2008 बैच के अफसर प्रशांत को साबुन और दीगर डिटर्जेंट बनाने के लिए ज़रूरी कच्चे माल को ख़रीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। 80 लाख में बात हुई थी और जैसा हमने बताया 40 लाख रुपए रंगे हाथों लेते पकड़ा गया है। फिर घर की तलाशी हुई जहां से 6 करोड़ रुपए और भी मिले हैं। वीडियो में जैसा आपने खबर का खुलासा ये है कि कर्नाटक में बीजेपी एमएलए का बेटा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसके घर से 6 करोड़ रुपए और भी मिले हैं। वो रिश्वत किस काम के ले रहा था? सरकारी तौर पर कच्चे माल का टेंडर छोड़ने के लिए ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था। ठेकेदार ने आला अफसरान से शिकायत की और वो फिर मनसूबाबंदी के तहत पकड़ा गया।